हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्मनी। तो आज की वीडियो में हम एडवांस ब्रैकेट ऑर्डर के बारे में जानेंगे। जैसे कि बहुत सारे क्लाइंट बोल रहे थे कि एक न्यू अपडेशन के बारे में कि ये चीज़ और होनी चाहिए आपके ब्रैकेट ऑर्डर में, तो हमने अपनी XTS टीम से डेवलप कराई है। चलो उसको देखते हैं कि आप नए ब्रैकेट ऑर्डर में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको। तो उसके लिए सबसे पहले आपको XTS A3 को लॉग इन करना होगा और ये एल्गो टैब में जाना होगा और फिर यहाँ से ये जो ब्रैकेट ऑर्डर स्ट्रेटजी है इस पर क्लिक करना होगा। देन अपने पोर्टफोलियो नेम को जो भी है वो सिलेक्ट करके, अगर नहीं है तो आप क्रिएट करके फिर सिलेक्ट कर लें और उसको ओपन कर लें। ओपन होने के बाद ये ब्रैकेट ऑर्डर का पेज विंडो पूरी ओपन होके आ गई है। फिर यहाँ प्लस साइन पे क्रिएट करके नया इंस्टेंस बनाएंगे आप, तो यहाँ प्लस साइन पे आए और यहाँ से जो भी आपको एक्सचेंज सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं NSE CEM सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे इक्विटी ले रहा हूँ और यहाँ मैं ITC ले ले रहा हूँ फॉर एन एग्जाम्पल। तो मैं इक्विटी में ले रहा हूँ, आप FNO या किसी में भी, BSE MCX किसी में भी ले सकते हैं। तो उसके फिर यहाँ पे जैसे ही आप सिंबल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ उसका रेट आने लग जाएगा। जैसे अभी ITC चल रहा है 479.4 एंड यहाँ से बाई सेल मुझे जो भी सिलेक्ट करना है मैं वो चूज़ कर लूँगा और लिमिट और स्टॉप लॉस जो भी ऑर्डर प्लेस करना है मैं वो ऑर्डर यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। स्टॉप लॉस अगर आप हायर प्राइस डालते हो, जैसे 479.35 चल रहा है और आप 480 में बाई करना चाहते हो तो आप स्टॉप लॉस चूज़ करेंगे, और उससे नीचे में बाई करना चाहते हो तो आप लिमिट चूज़ करेंगे। ओके, देन यहाँ से प्रोडक्ट टाइप में MIS या NRML, यानी कि आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो आप NRML चूज़ करेंगे और सिर्फ इंट्राडे के लिए रखना है तो MIS चूज़ करेंगे। मैं इस, क्योंकि ये स्टॉक का एग्जांपल है, मैं NRML चूज़ कर लेता हूँ। वह यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स आप ले लेंगे कि कितने शेयर्स आपको एक बार में बाई करने हैं। अगर आप FNO चूज कर रहे हैं तो ये लॉट्स रहेगा, नंबर ऑफ लॉट्स। ओके, देन प्राइस जैसे 479.80 चल रहा है तो मैं इसको यहीं पे मार्केट पे ही ऑलमोस्ट बाई करने की सोच रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 479.80 डाल दूंगा। टारगेट और स्टॉप लॉस के दो तरीके हैं, आप परसेंटेज का और एक एब्सोल्यूट का। एब्सोल्यूट में आपको पॉइंट्स में डालना है, परसेंटेज में आपको 1% 2% जो भी डालना है वो डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट ले लेता हूँ। तो जैसे टारगेट वन मैंने लिया कि मुझे 1 रुपये का चाहिए, देन टारगेट टू भी मुझे 1 रुपये का चाहिए, तो इसका मतलब ये होगा कि टारगेट वन ये टारगेट टू 2 रुपये का आपका होगा। स्टॉप लॉस भी मुझे 1 रुपये का चाहिए और ट्रेलिंग जो हो रही है वो मैं मिनिमम 0.5 पॉइंट से 5 पैसे से ट्रेलिंग मिनिमम कर रहा हूँ। हायर परसेंट लिमिट यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 1% कर दे रहा हूँ। ये उस केस में काम आती है जब फ्री ट्रेड कभी आता है कि मतलब बहुत ही अनाप शनाप ऊपर नीचे का अगर ट्रेड लग गया तो उस केस में ये इग्नोर करेगा, मतलब आपको सेफ गार्ड करेगा अगर कोई अचानक से बहुत बड़ी मूवमेंट आ जाती है तो उससे, जो कि सेकंड्स के लिए होती है सिर्फ। ओके, एक यहाँ पर जो फीचर नया ऐड हुआ है वो मैं बता देता हूँ, वो ये है जहाँ पे जो टारगेट है वो आपका ब्रोकर में प्लेस होगा कि नहीं। तो पहले क्या होता था कि सिर्फ स्टॉप लॉस ब्रोकर में प्लेस होता था, टारगेट प्लेस नहीं होता था। लेकिन कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जो कि टारगेट भी ब्रोकर में प्लेस करना चाहते हैं, मतलब स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ब्रोकर में प्लेस होने चाहिए, तो उनकी एग्जैक्ट प्राइस मैच होने के लिए वो ये चीज़ करते हैं। ओके, पहले ये सिस्टम में रखता था टारगेट को और जब भी वो सिग्नल आता था, टारगेट हिट होता था तो वो सिग्नल भेजता था और तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता था। तो उसके लिए आपको यहाँ चेक लगाना पड़ेगा, अगर आपको ब्रोकर में प्लेस करना है तो आपको चेक लगाना पड़ेगा। बहुत से लोग नहीं भी करना चाहते हैं प्लेस, तो उनको चेक हटाना पड़ेगा। अगर आपने चेक लगाया तो इसका मतलब ब्रोकर में टारगेट ऑर्डर तो प्लेस हो जाएगा लेकिन आपको एडिशनल सेल का मार्जिन यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। तो आप ये एक बार सोच समझ के कीजिए कि आपको, आपका यूज़ केस क्या है, आपको ज़रूरत है कि नहीं है। आप इसको अनचेक भी रख सकते हैं और चेक भी लगा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्रिएट स्ट्रेटजी पे जाके क्रिएट कर दिया स्ट्रेटजी को, और स्ट्रेटजी इंस्टेंस पे आपने राइट क्लिक किया तो यहाँ पे स्टार्ट पॉज स्टॉप रिमूव मैप क्लाइंट स्क्वायर ऑफ रीसेट ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। मैं अभी के लिए, मुझे स्टार्ट करना है तो मैं स्टार्ट पे क्लिक किया तो ये मेरा स्टार्ट हो गया और यहाँ पे मेरा ये वाला ऑर्डर प्लेस हुआ है अभी 479.80 में। अभी ITC चल रहा है 481, ये यहाँ पे LTP दिखा रहा है उसकी, और जब ये प्राइस आएगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा।
ये वाला ऑर्डर मेरा पहले का है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, और ये सारे मेरे ऑर्डर पहले के हैं, तो आप इनसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमने 100 क्वांटिटी वाला डाला है, तो एक तो एग्जीक्यूशन हो गया, ये एंट्री हो गई। एंट्री होते ही जैसे कि आपका स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर यहाँ पर प्लेस होंगे, अगर आपने चेक लगाया है टारगेट ऑर्डर पे तो ठीक है। अभी मैंने अपने में नहीं लगाया था, तो मेरा सिर्फ स्टॉप लॉस ऑर्डर इस तरीके से यहाँ पेंडिंग ऑर्डर में दिखेगा एंट्री होने के बाद। ओके, तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर अपने एडवाइज़र को बोल के मुझसे कनेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।